ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से नाराज कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस नगराध्यक्ष ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को वापस लेने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यह ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से महंगाई चरम सीमा पर है, हर आदमी त्रस्त है। डीजल और पेट्रोल के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी हर जगह ज्ञापन दे रही है और हम कांग्रेसी यह मांग करते हैं डीजल और पेट्रोल के दाम वापस लिए जाएं। अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वे धरने प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं कांग्रेस के जिला सचिव अब्दुल कादिर त्यागी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की जो बेतहाशा वृद्धि सरकार द्वारा की गई है हम उसका विरोध करते हैं। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल पर जो वृद्धि हुई है उसे वापस लिया जाए। मैं तंजीम सद्दीकी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष देवन। आज हमने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति जी को माध्यम से SDM साहब के द्वारा। हमारी मांग ये है कि ज्ञापन में कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को वापस लेने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ये ज्ञापन दिया और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है महंगाई चरम सीमा पर है, हर आदमी त्रस्त है और डीजल के भाव जब से ये सरकार बनी है डीजल और पेट्रोल के भाव दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी हर जगह धरने प्रदर्शन और अपने ज्ञापन दे रही है और हम कांग्रेसी ये मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम वापस लिए जाएं, बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए। मेरा नाम निदम अजैद हसन, जिला मासी जो कांग्रेस साल ज्ञापन दिया गया आज जी, विज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को हमने भेजा के, इसलिए कि महंगाई इतनी हो चुकी है, हर जनता परेशान है, गरीब मजदूर सब के सब परेशान हो रहे, रोटी से मोहताज हो गए हैं। इस सरकार ने वह हाल कर दिया है कि जनाब अली पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाकर और गरीब की जनता की कमर तोड़ दी है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम मांग यही कर रहे हैं कि जो डीजल पर, पेट्रोल पर और महंगाई पर ये जनाब अली ऐसा वो कर रहा है कि आज परेशान है हर व्यक्ति, उसे वापस लिया जाए। मेरा नाम अब्दुल कादिर त्यागी, जिला सचिव कांग्रेस पार्टी सहारनपुर। आज ज्ञापन दिया गया आपने, ये पेट्रोल और डीजल की जो बेहतास वृद्धि केंद्र सरकार ने की है हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल पे जो वृद्धि हुई है उसको वापस लिया जाए। आज SDM साहब को हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम, अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती तो आने वाले वक्त में हम रोड पे सड़क भी जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, विधानसभा भी घेराव करेंगे। जो हम जनता की आवाज़ है हम कदम कदम पर उठाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय कुमार लल्लू को भी गिरफ्तार किया गया और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया जाए। सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, हम इस सरकार का पूरी तरीके से विरोध करते हैं, पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं। ये है RJ मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत।